हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आरएमसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीरीज़ में। आज है डे 24 और आज हम लोग अगेन टाइम एंड वर्क का ही एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक नई वैरायटी का क्वेश्चन देखेंगे, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपसे आरएमसी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इफ़ 4 men or 6 boys, ठीक है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन ये और एंड का फंडा आपको समझना ज़रूरी है। इसके अलावा यूनिटरी मेथड का फंडा भी आपको आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट क्लासेस में कर चुके हैं। आप इनिशियली देखेंगे तो यू विल फाइंड अर कॉन्सेप्ट क्लास बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड ऑल्सो। तो आपको दिया है 4 men or 6 boys। पहले तो आप ये समझिए कि 4 men or 6 boys का क्या मतलब होता है। 4 men m लिखा है मैंने सिर्फ, और 6 boys भी लिखा है। और को मतलब, और का मतलब ये है कि या तो आप 4 आदमी ले लो और या आप 6 boys ले लीजिए। दोनों की कैपेसिटी बराबर है, दोनों किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। या तो आप 4 आदमी ले लो, 4 आदमी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, या आप 6 boys ले लीजिए और वो भी कितने दिन में काम करते हैं 20 दिन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 आदमी की कैपेसिटी 6 बच्चों के बराबर या 6 boys के बराबर है, और का ये मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज कैन 6 men, देखिए आपसे पूछा गया है कि 6 आदमी और 11 boys कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए, यूनिटरी मेथड लगाने के लिए आपको या तो सभी को मेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या आपको सभी को बॉयज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो रिलेशन मेन और बॉयज़ का आ गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वो रिलेशन आया। ये कैसे आया रिलेशन, हमें मालूम है कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी 4 men is equal to 6 boys, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। काम करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों 20 दिन ले रहे हैं काम करने में। तो मैं चाहे 4 आदमी लगाऊँ या 6 लड़के लगाऊँ, मेरा काम 20 दिन में होगा। तो आई कैन इक्वेट 4 m is equal to 6 b कर सकता हूँ, और यहाँ से m की वैल्यू, मेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 6 by 4 मतलब 3 by 2 boys, मतलब आप कह सकते हो कि एक आदमी 1.5 लड़कों के बराबर है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग कैपेसिटी, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको रिप्लेस कर लीजिए। देखिए 6 into m की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 by 2 boys plus 11 boys, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 2 3 9 boys plus 11 boys, मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट 20 boys। 20 boys के बारे में पूछा है, तो अब यूनिटरी मेथड लग जाएगा। आपने, आपसे जो पूछा गया था 6 men और 11 boys को, आपने कम्प्लीटली इसको बॉयज़ में चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। इसका मतलब जो 20 boys का आंसर आएगा, वही जो हमसे पूछा गया है 6 men plus 11 boys, ये उसका आंसर भी होगा, ठीक है। तो हमने सबको बॉयज़ में अगर चेंज कर लिया, तो फिर आप बॉयज़ वाली कंडीशन ले लो ये ली, ठीक है। अब आप बॉयज़ वाली कंडीशन ले लो और लिख लो यहाँ पर बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड, बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो 6 boys अगर काम करेंगे तो वो 20 दिन लगा रहे हैं, और वही काम अगर 20 boys करेंगे तो डेफिनेटली वो लेस दिन। अब आपको बताइए कि मैन पावर बढ़ गई, या अगर बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज बढ़ गए, तो काम और जल्दी होगा। तो यहाँ पर कंपेरिजन में क्या आ जाएगा, लेस, और लेस बाई मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू करोगे अगर आप, तो यहाँ से 20-20 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका 6 days, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक लाइन ज़रूर लिखेंगे हम लोग कि 6 men और 11 boys अगर काम करेंगे तो दे विल टेक 6 days, ओके, टू फिनिश द वर्क, ओके। तो ये और वाली कंडीशन में हम कैसे इक्वेट कर रहे हैं दोनों की कैपेसिटी को, ये समझना इंपॉर्टेंट था। बाकी तो यूनिटरी मेथड ही हमने लगाया, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट तो कुछ खासा है नहीं इसमें, लेकिन टाइम एंड वर्क की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, इसलिए ये वैरायटी में आपके साथ लाया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ PYQs ज़रूर करना, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और बच्चे ओलंपियाड मैथ्स की डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी मैं ये कॉन्सेप्ट सीरीज ज़रूर लाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।